أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلباء و طالبات dear students السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشکیلات میں یادہ کے طور پر آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک دائرے کو مماس کس طرح بنایا جاتا ہے اس کو دیکھیں گے دائرے کو مماس کی ساخت to construct the tangents to the given circle. مثال رہے گی 4 سنٹی میٹر نصف قطر کا دائرہ بنا کر دو مماس اس طرح کھیچو کہ ان کا درمیانی زاویہ 60 درجے ہو. تو dear students let us learn how to construct the tangents to the given circle. The question, the example will be, or the question will be like this: draw a circle of radius 4 cm and construct a pair of tangents to it which are inclined at an angle of 60 degrees. So, sabse pehle aap daira banaoge, 4 cm ka faasla, 4 sam ka faasla prakar par lete hue aap apne jawabi पर्चे के सफ़े पर एक दायरा इस तरह खींचोगे. यू विल बी ड्राइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर लाइक दिस. कॉल द सेंटर ऑफ द सर्कल एज वो, दायरे के मरकज को वो नाम दोगे. फिर इसके साथ एक निस्फ कतर खींचेंगे. ड्रॉ वन रेडियस एंड नेम द रेडियस एज ओ ए. तो इस एंड पॉइंट को, इस नुक्ते को आप ए नाम देंगे. अब 60 दर्जे का जाविया दो मुमासों के दरमियान बनना है. तो द टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज मींस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 60 डिग्रीज फ्रॉम 180 डिग्रीज. तो 60 दर्जे को 180 दर्जे में से तफरीक करो. तो 180 माइनस 60 विल बी 120 डिग्रीज. तो चांदे का इस्तेमाल करते हुए दायरे के मरकज पर 120 दर्जे का आप जाविया बनाओगे. तो यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज, सॉरी 120 डिग्रीज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120. तो join that point and center and call this point as point B. तो O से इस नुक्ते तक जोड़ने वाला खत जो है दायरे के सर्कमफेरेंस तक या दायरे के मुहित तक खींचकर इस पॉइंट को, इस एंड पॉइंट को आप क्या नाम लोगे? बी नाम दोगे. नाउ फिर कंपास लेकर लेट अस कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स. दो मुमास किस तरह बनाया जाता है उसको अब हम देखेंगे. तो ओए का डिस्टेंस लेकर एक बिगर आर्क ड्रॉ करोगे लाइक दिस. ड्रॉ अ बिगर आर्क, एक बड़ा कोंस खींचोगे. फिर इस पॉइंट पे रखते हुए, अश्यूमिंग दिस पॉइंट एंड सेंटर, ड्रॉ वन मोर आर्क लाइक दिस सो दैट इट शुड कट द प्रीवियसली ड्रॉन आर्क. ये कोंस, खींचे गए कोंस को एक नुक्ते पर कटा करें. अब इस नुक्ते को मरकज मानते हुए, अश्यूमिंग दिस पॉइंट एज सेंटर, अगेन कट दिस आर्क बाय मीन्स ऑफ एनदर आर्क. एक और आर्क से, एक और कोंस से इस खींचे गए कोंस को कटा करोगे, एक नुक्ता हासिल होगा. यू विल बी गेटिंग अ पॉइंट. ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट. इस नुक्ता ए और इस नुक्ते को जोड़ता हुआ एक आप लंबा खत खींचोगे. सो दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट्स. ये जो है उन दो ममासों में से एक ममास है. जो अमल यहाँ आपने किया है वही प्रोसीजर आप पॉइंट बी पर भी करोगे. तो पॉइंट बी को सेंटर अश्यूम करके मरकज मानते हुए ओ बी या बी ओ तक का डिस्टेंस लेकर यू विल बी going to draw a bigger arc like this. एक बड़ा कॉस खींचोगे, फिर इस नुक्ते पर पुटअप करके एक और कॉस खींचोगे, वन मोर आर्क लाइक दिस. फिर ये पॉइंट को सेंटर अश्यूम करो और इस आर्क को कट करो टू गेट वन पॉइंट एंड
draw a line passing through this point and point B. And extend it so that it meets the previously drawn tangent at a point and call that point as point P. तो इस नुक्ते को नुक्ता B को जोड़ते हुए एक खत खींचो और उस खत को दराज करो ताकि वो खत पिछले मुमास को खींचे गए मुमास को एक नुक्ते पर मिले और उस नुक्ते को आप P नाम दो. अब यहाँ जाविया ये पी बी अगर आप नाप कर देखोगे तो ये आप एग्जैक्टली 60 डिग्रीज पाओगे. तो इफ यू मेजर दिस एंगल ए पी बी यू विल बी गेटिंग दैट एंगल एग्जैक्टली ऑफ 60 डिग्रीज. तो इस तरह एक दायरे को दो मुमास इस तरह खींचे जाते हैं जबकि उनका दरमियानी जाविया दिया गया होता है. डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये निस्फ कतर तब्दील होगा और ये जाविया तब्दील होगा. ये दो चीज़ें तब्दील होंगी लेकिन काम के मराहल अमल के मराहल या तश्कील के मराहल बिल्कुल वही होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स विल बी चेंज. इंस्टेड ऑफ 4 सेंटीमीटर यू विल बी गेटिंग 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एंड इंस्टेड ऑफ 60 डिग्रीज हियर यू विल बी हैविंग 70 डिग्रीज 80 डिग्रीज 100 डिग्रीज लाइक दैट. बट द प्रोसीजर और द स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन आर सेम. सो डियर स्टूडेंट दिस क्वेश्चन विल गिव यू 2 मार्क्स. तो आइए दो मिसालें और किए देता हूँ. दूसरी मिसाल है 3.5 सेंटीमीटर निस्फ कतर का दायरा बनाकर दायरे को दो मुमास इस तरह खींचो या इस तरह साफ्त करो कि इनका दरमियानी झुकाव 70 दर्जे हो. इन इंग्लिश ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्रीज. तो निस्फ कतर यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. तो कंपास पे विद द हेल्प ऑफ स्केल 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप लेंगे. ओके डिस्टेंस लेने के बाद यू विल बी गोइंग टू ड्रॉ वन सर्कल. एक सर्कल आप इस तरह जो है वो खींचोगे और सेंटर ऑफ द सर्कल को ओ नाम दोगे. ठीक है उसके बाद एक निस्फ कतर या रेडियस ड्रॉ करोगे और इस एंड पॉइंट को आप ए नाम दोगे. ऑलराइट फिर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 70 डिग्रीज फ्रॉम 180 डिग्रीज. तो 180 में से 70 को माइनस करोगे तो यू विल बी गेटिंग 110 डिग्रीज. तो 110 डिग्रीज या 110 दर्जे का जाविया आप दायरे के मरकज पर बनाओगे अलॉन्ग विथ दिस लाइन सेगमेंट ओ ए विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. तो मरकज पर दायरे के 110 दर्जे का जाविया इस खत के साथ या इस निस्फ कतर के साथ बनाओगे. याद रखो जो भी जाविया दिया जाएगा उस जाविये वाले अदद को 180 में से तफरीक करें. जो जवाब हासिल होगा हासिल तफरीक उतने दर्जे का जाविया आप मरकज पर बनाओगे. ओके फिर अब आगे बढ़ते हैं. प्रोटेक्टर लेंगे. प्रोटेक्टर लेकर सेंटर ऑफ द सर्कल पर चांदे की मदद से दायरे के मरकज पर 110 दर्जे का जाविया बनाओगे. तो यहां से काउंट करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. फिर ये पॉइंट को सेंटर को आप ज्वाइन करोगे टिल यू गेट अ पॉइंट एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड कॉल दैट पॉइंट एज पॉइंट बी. उस नुक्ते को नुक्ता बी नाम दो. फिर पॉइंट ए पे रखकर ओ ए तक का ये ओ तक का डिस्टेंस लेकर एक बड़ा कोस एक बिगर आर्क ड्रॉ करोगे और इन अदर वर्ड्स हाफ ए सर्कल ड्रॉ करोगे. आधा दायरा या निस्फ दायरा ड्रॉ करोगे. इस नुक्ते पर रखो और आगे से एक बड़ा कोस खींचो लाइक दिस. ओके अब ये पॉइंट को ये पॉइंट पर पुटअप करते हुए इस पॉइंट पर पुटअप करते हुए इस आर्क को या कोस को एक और कोस से आप कटा करो ताकि सो दैट you will be having one point and draw a line joining point A
एंड दैट पॉइंट लाइक दिस, उस नुक्ते को नुक्ता ए से जोड़ता हुआ पट्टी के इस्तेमाल से एक खत खींचो। ये जो है पहला ममास है। अब दूसरा ममास पॉइंट बी पर दूसरा टेंजेंट खींचने के लिए वही काम आपको करना है। बी पे रख के बी ओ तक का डिस्टेंस लेकर आप एक कॉस खींचेंगे, फिर यहाँ पुटअप करेंगे, फिर यहाँ से एक कॉस इस तरह खींचोगे, ओके, फिर यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। अश्यूमिंग दिस पॉइंट एज सेंटर, यू कट दिस प्रीवियसली ड्रॉन आर्क टू गेट अ पॉइंट एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड पॉइंट बी। तो नुक्ता बी और उस नुक्ते से गुजरता हुआ एक खत खींचोगे और इस खत को एक्सटेंड करोगे ताकि ये पहले जो मुमास खींचा गया है उसको नुक्ता पी पर मिले। अब ये पी बी जाविया एंगल, ये पी बी अगर आप मेजर करोगे, इसको मापोगे, तो ये 70 दर्जे का जाविया आप पाओगे। एक और मिसाल है, मैंने मिसाल को लिखा नहीं है, डायरेक्टली जो है R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल या जाविया बराबर 80 डिग्रीज लिख दिया है। तो यहां इस मिसाल में दायरा जो है, सर्कल जो है, वो 5 सेंटीमीटर का बनेगा। ओके, कॉल सेंटर ऑफ द सर्कल इज वो 5 सेंटीमीटर निष्कुत्र का एक दायरा बनाओ। दायरा बनाकर उसके बाद एक रेडियस ड्रॉ करो एक निष्कुत्र और इस पॉइंट को आप ये नाम दे दो। फिर 80 डिग्रीज को 120 डिग्रीज में माइनस करो, 180 माइनस 80 विल बी 100। तो इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ द सर्कल पे या दायरे के मरकज पर आप 100 दर्जे का जाविया चांदी की मदद से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप बनाओगे। तो चांदा ले लो, प्रोटेक्टर ले लो, फिर अलोंग विथ लाइन ओ ए एट द सेंटर ऑफ द सर्कल 100 डिग्रीज का एंगल फॉर्म करो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and this is 100। तो एक लाइन ड्रॉ करो, दिस इज अनदर रेडियस एंड कॉल दिस रेडियस एज ओ बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाला काम जो यहां हमने किया है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने किया है, उसी को यहां पर रिपीट करना है। तो पॉइंट ए पे रखो और एक इस तरह का बड़ा कॉस खींचो, फिर ये पॉइंट पे रखो, फिर एक और कॉस सामने की जानिब खींचो, फिर इस पॉइंट पे पुटअप करके इसको सेंटर अश्यूम करके खींचे गए कॉस को कथा करो टू गेट वन पॉइंट और उस पॉइंट को, पॉइंट ए को आप ज्वाइन करो। ओके, ज्वाइन करके इसको आप एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो। सेम प्रोसीजर यू फॉलो अलॉन्ग विथ द लाइन सेगमेंट बी ओ, बी पे पुटअप करके बी ओ तक का डिस्टेंस लेके एक बिगर आर्क ड्रॉ करो। इस पॉइंट को सेंटर अश्यूम करते हुए ड्रॉ वन मोर आर्क लाइक दिस, ऑलराइट, फिर यहां पुटअप करके इसको कट करो टू गेट वन पॉइंट। ज्वाइन दैट पॉइंट एंड पॉइंट बी एंड एक्सटेंड द लाइन टू मीट the previously drawn tangent at a point and call that point as point P and this angle APB will be exactly, if you measure, you will be going to have it as 80 degrees. So dear students, this question give you about 2 marks. तो इस तरह के थोड़े questions और मैं लिखूंगा, आप इनको practice करें। Dear students, let us solve one more example. Radius of the circle is 3 cm and the two tangents are inclined at an angle of 100 degrees. तो तीन समनिष्कुतर का एक दायरा खींचिए और दायरे को दो मुमास इस तरह खींचिए कि उनका दरमियानी झुकाव या उनका दरमियानी जाविया 100 दर्जे हो। तो हस्बे मामूल 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर आप एक दायरा खींचोगे। इन मिसालों को मुकम्मल तौर पर आपको प्रैक्टिस करना है, 2 मार्क्स जरूर देंगे ये, इसको वो नाम दो और एक निस्फ कतर खींचकर
एक रेडियस ड्रॉ करके यू कॉल दिस पॉइंट एज ए। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो जाविया दिया गया है उस जाविये को 180 में से माइनस करना है। ओके, तो 180 माइनस 100 विल बी 80 डिग्रीज, सो यू विल बी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल अलोंग विथ लाइन सेगमेंट OA विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो चांदी की मदद से आप नुक्ता O पर 80 दर्जे का, 180 नफी 180 दर्जे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहां मार्क करो और इस नुक्ते को, नुक्ता O को जोड़ने वाला खत खींच के इस पॉइंट को पॉइंट B नाम दे दो। ओके, नेक्स्ट स्टेप, विथ रेडियस AO ड्रॉ हाफ सर्कल लाइक दिस। निस्फ कतर OA के साथ एक आधा दायरा या निस्फ दायरा खींचे या बड़ा कौंस खींचे जो दायरे को इस नुक्ते पर कटा करते हुए गुजरेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट पे रखकर ये के सामने बाजू जो है एक और बड़ा कौंस खींचोगे, फिर इस नुक्ते पर रखकर एक छोटे कौंस से इस खींचे गए आर्क या कौंस को कट करोगे। ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ स्केल उस पॉइंट को, पॉइंट ए को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसको एक्सटेंड करोगे लाइक दिस। यही काम आप पॉइंट बी पे करना है, बीओ विद द रेडियस बीओ ड्रॉ हाफ सर्कल विच कट्स द सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट दिस पॉइंट, अश्यूमिंग दिस पॉइंट एज सेंटर, ड्रॉ वन मोर आर्क, बिगर आर्क रादर, ये भी यहां कट करेगा, इसको पुटअप करो यहां पर, पुटअप करके यू ड्रॉ वन स्मॉल आर्क टू गेट अ पॉइंट, देन ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू बी एंड दैट पॉइंट एंड एक्सटेंड इट सो दैट इट शुड मीट द प्रीवियसली ड्रॉन टेंजेंट एट पॉइंट पी, एंड इफ यू मेजर एंगल ए पी बी, दिस एंगल ए पी बी विल एग्जैक्टली बी ऑफ 100 डिग्रीज। तो इस तरह जो है अजीज तलबा व तालिबात, हम लोग दो ममासों का दरमियानी जाविया दिए जाने पर या दो ममासों का दरमियानी झुकाव दिए जाने पर हम लोग ममास खींच सकते हैं। तीन मिसालें होमवर्क के लिए लिखी हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंगल 110 डिग्रीज है, तो 110 को आप 180 में से यहां माइनस करके जितना आएगा उतने दर्जे का जाविया मरकज पर और सेंटर ऑफ द सर्कल पर बनाओगे। सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड जाविया एंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज, आर 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल इज ऑफ 110 डिग्रीज। एक और मिसाल लेंगे हम, आर इज इक्वल टू से 3.8 सेंटीमीटर एंड एंगल या जाविया इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। आप अपने तौर पर निस्फ कतर, रेडियस और एंगल लेते हुए इस काम को कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस, एंड आई रिक्वेस्ट एस्पेशली 10th सी बॉयज ऑफ इस्लामिया कंपोजिट PU कॉलेज टू प्लीज ओपन द वीडियोज एंड ट्राई टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स। थैंक यू वेरी मच।